कुछ सालों पहले मेरा भाई मेरे साथ यहाँ फार्म पे रहता था और उसके साथ रह के मुझे ये पता चला कि उसकी जिमिंग एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोटीन ले, और वो रोज़ प्रोटीन शेक पीता था जिसमें वो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करता था। तो एक दिन उसे सरप्राइज़ करने के लिए मैंने वीगन प्रोटीन पाउडर बनाया और आज उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको जान के काफ़ी अचंभा होगा कि ये प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए हम सिर्फ एक इन्ग्रीडियंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं। आज की रेसिपी के लिए हम लगभग 250 ग्राम सोयाबीन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस सोयाबीन को एक भारी कढ़ाई या एक पैन में भून लेंगे। सोयाबीन को भूनने के लिए हम कोई तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मीडियम से हाई सेक पर हम सोयाबीन को लगभग 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे, जब तक वो क्रंची नहीं हो जाती। ये सोयाबीन हो गए हैं तैयार, पर इससे पहले कि हम इस सबका प्रोटीन पाउडर बना लें, मैं इसकी दो करछी निकाल रही हूँ एक कटोरी में, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया नमकीन बनती है। मैं इसमें सिर्फ सेंधा नमक डाल रही हूँ। प्रोटीन के लिए आप इसको नमकीन के तौर पर भी खा सकते हैं। इसमें हमने कोई भुनने के लिए तेल का इस्तेमाल नहीं किया, कोई चीनी नहीं है, ना ही ये डीप फ्राइड है, और इसका क्रंच लाजवाब है। जब सोयाबीन ठंडी हो जाए तो हम उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। जो मिक्सी के साथ सबसे छोटा मसाले पीसने वाला जार आता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, या अगर आपके पास कॉफ़ी बीन ग्राइंडर है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो पाउडर हो वो काफ़ी बारीक पीस सकें। ये प्रोटीन पाउडर हो गया तैयार। आप इसे अपने चॉकलेट शेक में, स्मूदी में, या इससे ग्रेनोला बार भी बना सकते हैं। ये 250 ग्राम तैयार किए हुए पाउडर की कॉस्ट केवल 15 रुपये है। अगर आप वाकई अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न हैं और एनिमल्स के प्रति कंपैशनेट हैं, तो इस रेसिपी को एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सोयाबीन में उतना ही प्रोटीन होता है जितना कि गाय के दूध में। सोयाबीन में 0 कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जिससे हमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक भी हो सकता है। आपको हमारी और रेसिपीज हमारे नए YouTube चैनल पे मिल जाएगी, जो सिर्फ रेसिपीज को ही डेडिकेटेड है। उसका एड्रेस है youtube.com/peoplefarmproducts।